साजिश के तहत विपक्ष के नेताओं की छवि को खराब करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। न्याय प्रणाली पर जो हम भरोसा रखते हैं वो कहीं ना कहीं सच की तरफ ही झुकता है। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो कल बड़ा फैसला आया, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, कैसे देख रहे हैं, सांसदी फिर से लौटी है? नहीं, ऐतिहासिक फैसला है। देश लगातार एक ट्रेंड को देख रहा था कि किस तरह से एक सुनियोजित साजिश के तहत विपक्ष के नेताओं की छवि को खराब करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कार्य किए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह का वर्डिक्ट अभी आया है सुप्रीम कोर्ट का इस मसले में, उससे दिखता है कि न्याय प्रणाली पर जो हम भरोसा रखते हैं वो कहीं ना कहीं सच की तरफ ही झुकता है। और राहुल गांधी जी को जिस तरह से डिफेम किया गया, अब चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं और हम बधाई देते हैं देश की जनता को, राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को इस फैसले के बाद। मोदी सरनेम को लेकर जिस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, सजा मिली थी, सांसद ही एक बार फिर से लौटा, क्या लग रहा है फेस होंगे विपक्ष के तरफ से? चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे, चेहरा बनेंगे, सवाल ये बड़ा है। देखिए, विपक्ष के फेस होंगे नहीं होंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, सब तो इंडिया एक गठबंधन आप जानते हैं तैयार हो चुका है और गठबंधन का स्वरूप बहुत व्यापक है। सभी लोग बैठेंगे और बिल बैठकर आय की रणनीति तैयार। आप लोग अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो आप लोग इस चीज़ को मानते हैं कि अगर चेहरा बने तो आप लोग स्वागत करेंगे? अगर और मगर पर सवाल नहीं होता है, जो भी चीज़ें होंगी वो वस्तुस्थिति आपके सामने होगी, पूरी तरीके से होगी। सांसदी लौटी है तो अब चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी? अभी क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? सांसदी अगर लौटेगी और जिस वजह से उनको डिफेम करने की जो साजिश रची गई है उसके तहत, तो निश्चित रूप से आगे चुनाव लड़ेंगे। अभिषेक जी, आप लोग का जो गठबंधन का नाम रखा गया है इंडिया, उसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है और प्रधानमंत्री उस इंडिया नाम को घमंडिया बता रहे हैं अब प्रधानमंत्री? भाई, इंडिया मेक इन इंडिया की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, चिल्ला चिल्ला कर कहते थे वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वीडियो सबके सामने है, वो किस इंडिया की बात करते थे? आज का भारत इस इंडिया के साथ है। सवाल एक और है, राजकर्मी के दर्जा की मांग कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, लगातार सड़कों पर भी प्रदर्शन, बैठक होने वाला, क्या लग रहा है अभ्यर्थी जो राजकर्मी का मांग? शिक्षक हमारी पूंजी है, शिक्षक हमारी पूंजी है और लगातार नीतीश कुमार जी ने उनके लिए प्रयास किया है, कहा भी है, तो स्थितियाँ अच्छी और बेहतर रहेंगी। एक और सवाल लेंगे। सवाल आप ही के मंत्री, आपके कोटे से मंत्री बार बार ये बयान तो दे रहे हैं नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं, जदयू के कार्यकर्ता भी चाह रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? वहाँ के कार्यकर्ता आम जनमानस की इच्छा को जाहिर किया कि नीतीश कुमार जी, आपके मंत्री ने कहा कि जहाँ अगर लड़ेंगे चुनाव तो जीतेंगे, जहाँ से लड़ेंगे जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अंततः गत्वा क्या होगा ये पार्टी तय करेगी। आप चाहते हैं कि चुनाव लड़ेगी यूपी से? भाई, सिर्फ हमारे ही चाहने से नहीं होता ना, पूरी पार्टी फैसला करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। साफ तौर पे जिस तरीके से राहुल गांधी की जो है सांसदी फिर से लौटी है, सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये जो है जो भी जो तथ्य के हिसाब से हुआ है और सही न्यायालय का जो है ये काम है, उसके बाद जिस तरीके से अब पीएम फेस क्या होंगे, क्योंकि राहुल गांधी की जब सांसदी लौटी है, लोकसभा का चुनाव है, विपक्ष की तरफ से चेहरा बन सकते हैं, पीएम की उम्मीदवारी की बात उनको साफ तौर पर बताया कि ये जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, और जहां गठबंधन के नाम को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया उसको लेकर खूब बरस रहे हैं बीजेपी पर और खूब सुना रहे हैं, क्या कुछ कह रहे थे अभिषेक जी इस वीडियो में? आप में खुद है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।